आज हम क्लास के बारे में लर्न करेंगे। तो क्लास इज़ ए एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर हमने लर्न किया था उसी का एक्सटेंशन है। और स्ट्रक्चर और क्लास में डिफरेंस क्या है? एक तो क्लास ज़्यादा सिक्योर है। बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास के डेटा होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, जबकि स्ट्रक्चर का बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? पब्लिक होता है। इट्स मीन जैसे यहाँ पे स्पेसिफायर मैंने मेंशन कर रखा है, प्राइवेट, पब्लिक, और एक और स्पेसिफायर होता है प्रोटेक्टेड। तो अगर हम ये स्पेसिफायर मेंशन ना करें और सीधे क्लास में कोई डेटा लिखें तो वो क्या होगा? प्राइवेट होगा। जबकि स्ट्रक्चर में कोई डेटा अगर ऐसे लिखेंगे तो वो क्या होगा? पब्लिक होगा। जब भी हम क्लास को डिफाइन करेंगे तो उसमें कीवर्ड यूज़ करेंगे क्या? क्लास। उसके बाद क्लास नेम, फिर हम ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। विद इन ब्रेसेस आप स्पेसिफायर के अकॉर्डिंग आप डेटा डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक इंटीजर डेटा डिक्लेयर कर रखा है, उसका वेरिएबल का नेम क्या है? सम डेटा। उसके बाद ब्रेसेस क्लोज करेंगे और सेमी कॉलन देंगे तो क्लास आपका डिफाइन हो जाएगा। क्लास जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है। क्लास जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट डेटा है, और ये डेटा हाइडिंग, इनकैप्सुलेशन, इन सबको सपोर्ट करता है। जो क्लास की डिफिनीशन है इसको कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती, ठीक है? मेमोरी इसको कब एलोकेट होगी? जब इसके करेस्पॉन्डिंग आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे स्ट्रक्चर का हम वेरिएबल क्रिएट करते थे तो वो स्ट्रक्चर वेरिएबल एज ए नोन होते थे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्लास का नाम क्या है? स्मॉल ऑब्जेक्ट। और जैसे ही इसके आगे हमने S1 वेरिएबल क्रिएट किया तो ये S1 क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। और जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तब इसको एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है। ये ऑब्जेक्ट आउटसाइड द क्लास है। तो क्लास में जब भी कोई डेटा प्राइवेट होगा तो उसको आउटसाइड आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, उसको पब्लिक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में अगर आप देखें तो हमने सम डेटा जो प्राइवेट है इसको अगर हमें एक्सेस करना था तो हमने वॉइड सेट डेटा एक मेंबर फंक्शन बनाया। एक्चुअली ये फंक्शन है, क्लास का फंक्शन है या क्लास का मेंबर है, इसको हम मेंबर फंक्शन कह देते हैं। कई जगह इसको मेथड भी कहते हैं कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ मैंने सेट डेटा नेम का एक फंक्शन बनाया जिसमें एक वेरिएबल पास किया है, इंटीजर आर्गुमेंट ये रिसीव कर रहा है, और सम डेटा यहाँ यूज़ किया क्लास के अंदर, और इसको वैल्यू हमने असाइन कर दी। अब मतलब पब्लिक के थ्रू हम प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, वो पॉसिबल है, लेकिन आउटसाइड द क्लास प्राइवेट डेटा एक्सेसिबल पॉसिबल नहीं है। अब इसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू लर्न करते हैं। अब ये हमने क्लास बनाया स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब प्राइवेट पहले हम देख लेते हैं कि एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास कि नहीं। जैसे इंट एक मैंने वेरिएबल लिया एक्स, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट हम मेन में क्रिएट करते हैं। तो क्लास का नेम क्या है? स्मॉल ओबीजे। अब फर्स्ट हमने वेरिएबल क्रिएट किया S1, ठीक है। तो S1 हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब S1.x=9 हमने एलोकेट किया। तो क्या हम इसको एक्सेस कर सकते हैं S1.x=9? हम चेक कर लेते हैं, रन करते हैं तो यहाँ देखिए ये एरर आ रहा है। और अगर आप इस एरर को देखें तो एरर क्या है? एरर ये होगा कि एक्स जो है वो प्राइवेट है और आप उसे आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे तो एक्स क्या है? प्राइवेट है और आउटसाइड द क्लास आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर ये एक्स यहाँ की जगह प्राइवेट
की जगह कहाँ होता, पब्लिक में, इंट एक्स। तो आप देखिए क्या आप एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको अगर हम रन करें तो ये स्मूथली रन करेगा, क्योंकि अब आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि अब ये पब्लिक हो गया। और आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, cout s1.x, तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा, 9। इट्स मीन जब भी कोई डेटा आपका प्राइवेट होगा तो आउटसाइड द क्लास आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसको एक्सेस करने की टेक्निक क्या होगी, उसको एक्सेस करने का मेथड ये होगा कि आप उसको पब्लिक में कोई एक फंक्शन क्रिएट करें। तो फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन लिया void set data, एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम x को वैल्यू असाइन करेंगे, int d, ये क्या लेगा, d एज आर्गुमेंट लेगा, और x इज इक्वल टू d, ठीक है। और एक और फंक्शन लेते हैं जिसमें हम प्रिंट करने का है, void so, और यहाँ पे सी आउट हमने क्या शो करना है, एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो अब आप देखें इस क्लास के प्रोग्राम में हमने एक मेंबर फंक्शन दिया, ये एक मेंबर फंक्शन है जो एक्स जो प्राइवेट है उसको एक्सेस कर सकता है, उसको वैल्यू असाइन कर सकता है। अब हम इसको जब s1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो सेट डेटा को हम कॉल कर लेते हैं, तो s1 डॉट सेट डेटा, और सेट डेटा में एक वैल्यू पास करते हैं, इंटीजर वैल्यू, फॉर एग्जांपल 9 ही पास कर लेते हैं। तो क्या होगा, s1 डॉट सेट डेटा से 9 यहाँ पे पास होगा और x की वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी, 9। अब इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, s1 डॉट शो, अब ये क्या हो जाएगा, आपका x की वैल्यू प्रिंट भी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले s1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर s1 डॉट सेट डेटा के थ्रू हमने इस क्लास के मेंबर को एक्सेस किया और इसमें 9 यहाँ रिसीव हुआ, x को 9 एलोकेट हो गया। फिर जब दोबारा हमने शो को एक्सेस किया, क्योंकि शो आपका पब्लिक में था तो हम आउटसाइड एक्सेस कर सकते हैं, s1 डॉट शो किया तो हमारा ये x की वैल्यू जो असाइन की गई थी 9 वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप देखिए x इज इक्वल टू 9 प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप क्लास का प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई फंक्शन या डेटा आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना है तो उसको पब्लिक में आप डिक्लेयर और डिफाइन करें, और अगर आपने प्राइवेट में कर रखा है तो थ्रू पब्लिक ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो थोड़ी सी और थ्योरी देख लेते हैं। जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए इंस्टेंस ऑफ क्लास, इसको क्या कहेंगे कि वो क्लास का इंस्टेंस है। ध्यान देखिए यहाँ मैंने क्लास स्मॉल ऑब्जेक्ट लिखा है, दैट इज डिफाइन अ क्लास, ये क्लास डेटा है, ये मेंबर फंक्शंस हैं, और जैसे ही ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं तो आपको मेमोरी एलोकेट हो जाती है जितनी उस क्लास की करिस्पॉन्डिंग रिक्वायर्ड होती है। तो ऑब्जेक्ट, अ की फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज डेटा हाइडिंग, एंड डेटा हाइडिंग इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट वेल इंटेंशन प्रोग्राम फ्रॉम ऑनेस्ट मिस्टेक्स। ये मेन मेन पॉइंट्स मैंने रॉबर्ट लफोरे के नोट कर रखे हैं। तो मेन क्या है आपका, कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या कहलाता है, एज अ इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ठीक है। इसको भी हम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंशिएटिंग देम या क्रिएटिंग, डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट इन दिस वे मीन्स क्रिएटिंग देम। ऑब्जेक्ट आर समटाइम्स कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। सो दिस इज सिंपल क्लास प्रोग्राम जिसमें हमने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस है क्लास के, और बाई डिफॉल्ट क्लास के मेंबर्स प्राइवेट होते हैं। ओके, थैंक यू।